examination, we can score more level of marks than we scored earlier. So after this session, we can say that nothing is impossible in our life. Even the ones who don't have facilities, they are disabled, they can do the things than we are fully able, and we can do many more things than them and in concern to them. So we will try our best, and thank you to Abhishek sir for this. Time spent. There is one of difference between time spent and time invested. ROI, return on investment. ROTI, ROTI, return on time invested. और मैं सर को 5 स्टैंडर्ड से जानती हूँ, अभिषेक सर को. एक्चुअली यहाँ आने के लिए मैं मतलब रेडी नहीं थी कि यहाँ आऊँगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा, बोर्ड एग्जाम्स है. बट जब यहाँ पे आए तो आई गेट अ पॉइंट दैट ऑलवेज बी जस्ट गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस एंड जस्ट गेट फोकस. मतलब हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उस पर सर ने बहुत अच्छे से डिटेल से बताया. सो थैंक्स टू अभिषेक सर दैट ही गेव मी चांस. अगर क्रिकेट में मेरे को करियर नहीं बनाना है तो क्रिकेट बस एक स्पोर्ट की तरह खेलेंगे, न कि कभी झारखंड जा रहे हैं, कभी बिहार जा रहे हैं, कभी नालंदा जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं. करियर नहीं बनाना है तो उसको बस प्लेजरेबल एक्टिविटी के रूप में रखेंगे ताकि हम बीच स्ट्रेस रहे. व्हाई वुड वी प्ले क्रिकेट ऑल द टाइम व्हेन वी डोंट हैव टू कल्टीवेट आवर करियर इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट? आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट. क्यों करेंगे भाई? व्हाई? तो किसी भी स्टूडेंट के लाइफ में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है. मैंने ये चीज इस सेशन से निकाला कि नो मैटर हाउ मेनी रिसोर्सेज यू हैव इन योर लाइफ, अंटिल एंड अनलेस यू डोंट नो हाउ टू यूज देम, यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन एनी वे, डेफिनेटली. और सेकंड चीज ये कि अट्रैक्शन टू डिस्ट्रैक्शन इज योर ओन डिस्ट्रक्शन. आप खुद अपने आप को अपने डिस्ट्रक्शन के तरफ ले जा रहे हो. जब आप अपने अट्रैक्शन, जो आपका डिस्ट्रैक्शन है, अगर आप उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो तो इसका मतलब आप खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो और अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे हो. तो इससे सबसे बड़ा फायदा मेरे को ये हुआ कि डिस्ट्रैक्शन पकड़ में आया. और फर्दर मैं यही कहना चाहूँगा कि इस सेशन के बाद मेरा फोकस कभी हिलेगा नहीं. जो पहले थोड़ा डिसबैलेंस होता था वो भी अब नहीं होने वाला. और यस, इट वॉज अ क्वाइट गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू लर्न, एंड डेफिनेटली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रॉक इन द बोर्ड एग्जाम्स एंड ऑल द एग्जामिनेशंस आपको फेस करना. कुछ कामे हैं जिसमें हम बहुत पुअर हैं, पता करना पड़ता है. And obviously to Abhishek sir, he organized this workshop and it really helped me a lot. It motivated me and it motivated me to achieve my goals. Thank you. तो हमने एरो मार्क किया है, हायर वैल्यू के काम को करना है और लोअर वैल्यू के काम को एक तो छोड़ दो, नहीं हो सके तो किसी और से करा के ले लो, और अगर नहीं हो पा रहा है किसी और से दिमाग लगाओ, हो ही जाएगा, तब खुद जाओ, खुद नहीं. हमेशा एग्जाम्पल देता हूं, दूसरे से करा के ले लो, दम पे. अगर लग रहा है कि काम ना भी करे तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो, दम कर दो, डेडलाइन डालो. A goal is a dream with a deadline. I'm really proud that I've come today. Thanks to Abhishek sir and Neha ma'am. Although I know him very much, but still the fact that he has given that introspection, I love that very much. And the things he has taught surely will help me in future. And yes, I'm looking forward towards my board. And yes, I'm all set to rock. मुझे लगता है कि जैसे आज का जो सेमिनार था बहुत ही वंडरफुल था और मुझे बहुत अच्छा लगा. एज ए टीचर मैंने बहुत कुछ सीखा अभिषेक सर के थ्रू, कि अगर मैं टीचर हूँ और क्लास में टीच कर रहा हूँ तो मुझे भी स्टूडेंट को ये सब चीज़ें बतानी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है. केवल पढ़ाई ही नहीं है, कहीं ना कहीं हार्डवर्क तो सब करते हैं बट नाउ इट इज स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, खासकर अपनी स्टडी के साथ. अगर एक बच्चा पढ़ रहा है तो उसको स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, और मैं चाहूँगा कि ये पेरेंट्स तक जरूर पहुँचे. स्टूडेंट से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे 24 घंटे में 6 to 7 hours स्कूल में रहते हैं, 2 to 3 hours कोचिंग्स में रहते हैं, बाकी टाइम अपने घर में रहते हैं. और पेरेंट्स को अगर ये चीज़ पता होगी तो पेरेंट्स बच्चों को समझाएंगे, उनके मेंटल प्रेशर को दूर करेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं चाहूँगा कि टीचर्स भी इनके वीडियो क्लिप्स इनके सेमिनार को अटेंड करें, क्योंकि एज ए टीचर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है.
और अगर हम सीखते हैं सब चीज़ें तो हम लोग पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। थैंक्स। I've known Abhishek sir since I was in grade 9, so I know कि वो कितनी research करते हैं, कि ज़्यादा concerned है about the students. Now talking about this workshop, तो basically ये उनकी research थी, a long time research, और इस workshop में what we have learned is not only relevant to the board exams, but to every student. I mean, obviously हमसे बहुत आगे भी कोई हैं, हमसे बहुत छोटे भी कोई हैं, but I think what I can drain out from this workshop is the zeal and enthusiasm, क्योंकि as it is shown in the slides and presentations कि 7th attempt, 8th attempt पे भी लोग हैं, तो obviously हारना नहीं है, थकना नहीं है, और self control होना बहुत ज़रूरी है, obviously distractions को लेके, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है आप किस चीज़ के लिए कैपेबल हो, और वो आपको खुद के अलावा किसी भी और को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको कैसे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, इट्स योर विश, और बस मेहनत करते रहना है, और आई थिंक अगर आप ज़िंदगी भर भी पढ़ो तो आपको सिर्फ नॉलेज ही देगी, देयर इज़ नथिंग टू लूज, तो अच्छा है, कोशिश करो, मेहनत करो, और एज यू डू आई मीन व्हाट यू सो सो शैल यू बी, तो जो करते हो आपको वो एनी विच वे वापस मिलता है। दैट्स इट, एंड थैंक्स टू एवरीवन हियर। अभिषेक, रास्ते खत्म नहीं होते बदलो, लाउड, रास्ते खत्म नहीं होते बदलो, रास्ते खत्म नहीं होते बदलो, रास्ते खत्म नहीं होते बदलो। मैं कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट के साथ ही पेरेंट्स के लिए सेशन ज्यादा जरूरी है। अभी हमारे जो पेरेंट्स हैं, तो ये पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचाने का काम आपका है। आप जा करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करोगे, वो पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को बोलेंगे, और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स इसे पार्टिसिपेट करें। अगर पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे तो वो चीजें ज्यादा स्टूडेंट्स तक जाएंगे, और सच में बहुत अच्छा था ये। उनकी वजह से उन्होंने ये सेमिनार रखा, और आज मैं यहाँ पे आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरा प्री बोर्ड का रिजल्ट में मैट परसेंटेज आया था अप्रोक्स 80%, और मैं बहुत नर्वस था कि मेरा बोर्ड का एग्जाम कैसा रहेगा। आज मैं ये सेमिनार देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मैं भी कुछ हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभिषेक सर ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बिल्डअप किया, और मैं अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकता हूँ। थैंक यू। See, I really want to know with that group sitting over there, Chef Mites, how was the session? And be very, very, very honest. You learned something. All right, I hope it will definitely add something to the examination that is going to start from 20th February. Thank you so much for conducting this session. And सबसे अच्छी बात ये है कि आप लोग सोच रहे हैं कि workshop होना चाहिए। कि मैंने एक वर्कशॉप डिज़ाइन किया था जो काफ़ी इंटेंसिव है, और इस पर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रिसर्च प्लस हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स और बहुत सारे सोशल लाइफ एग्जांपल्स मैंने रखे, और ब्रेन की फंक्शनिंग, ब्रेन का बिहेवियर, हमारा वैक मॉडल जिसको हम लोग विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक बोलते हैं, टाइम मैनेजमेंट पे मैंने बात करा, पर्सनल लर्निंग सिस्टम पर मैंने बात करी, हैबिट इंस्टॉलेशन पर मैंने बात करा, और स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट उठाया है, और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो इसी तरह हम आपकी लाइफ को चेंज करते रहेंगे, नए टेक्निक्स, नए टूल्स, और ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सको, राइट, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच, और आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम लोगों को इतना प्यार और इंकरेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।